So, आपने पुकारा और हम चले आए सो कैनो मॉडल आज भी चाहिए कि नहीं तो so, अगर कल का भी सेशन तुम लोग ने देखा होगा ऑल्टमैन जी स्कोर का आज का भी प्रॉपरली देखना 20 20 मिनट्स के शॉर्ट तुम लोग के लिए वीडियोस रहा हूं सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल आपको विदाउट फेल सब्सक्राइब कर देना है चैनल को बिकॉज लॉर्ड ऑफ सच वीडियोस विल कम टू यू टिल द टाइम यू क्लियर योर एग्जामिनेशन प्लस लाइक वीडियो सो दीडियो दिखते जाएंगे notification दबा देना because और कुछ कुछ भी आपको ऐसा मिलते रहेगा जब तो आने वाले so आइडिया होना चाहिए ठीक है इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूं मेरे जो नीचे कमेंट्स बॉक्स है ना उसपे मेरा टेलीग्राम का चैनल है वहां से मिल जाएगा बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एस का ट्रैक बैच चाहिए इफ यू आर डू लेट मी नो इन का फास्ट ट्रैक मिल केस इट वुड रियली रियली बी जरूर आप लोगों के लिए चीज मैं लाऊंगा ठीक है बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स है जो रिविजन uh, वीडियो देख रहे हैं फुल फॉर्म में मेन लेक्चर देख रहे हैं

चैप्टर स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट चैप्टर नंबर सिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड गारंटीड टू बी आज फॉर अप्रोक्सिमेटली सिक्स एट और टेन मार्क्स एज द केस मे बी अब अपने को तो पता नहीं है कि पेपर कौन सा किसको क्या आने वाला है बट लेट्स बी प्रिपेयर टू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस जितने भी मार्क्स का आएगा वी शुड बी इन अ अजिशन टू मैनेज इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल तो क्विकली मैं आप लोगों को आज रिवाइज करवाने वाला हूं समथिंग कॉल्ड एज द कैनो मॉडल ठीक है प्राइसिंग पॉलिसी का पार्ट है एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इसका फोकस है दिस वाज डेवलप्ड बाय नोरिया की कैनो फ्रॉम जापान हु इज अ टीक्यूएम स्पेशलिस्ट वैसे आपको इस डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं है बट जस्ट थॉट के आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए सो ही सेड दैट इवेंचुअली एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर टू द कस्टमर द कस्टमर हैज बी सेटिस्फाइड एंड वो उस उस प्रोडक्ट के लिए उतना पेमेंट या पैसा देने के लिए तैयार होना चाहिए कस्टमर विल पे फॉर योर प्रोडक्ट ओनली बेस्ड ऑन इट्स परसीव्ड वैल्यू मोबाइल फोन एप्पल भी बनाता है मोबाइल फोन वीवो भी बनाता है बट सेम मोबाइल फोन विद ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स वाई डज एप्पल चार्ज थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा बिकॉज कस्टमर के लिए एप्पल के प्रोडक्ट का एक परसिव्ड वैल्यू इज वेरी हाई दफेक्शन दैट दे गेट फ्रॉम यूजिंग अप्पल फोन इज वेरी वेरी हाई एंड दैट इज द रीजन पीपल आर पेइंग मोर एंड इट इज एप्पल इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड बाकी मोबाइल तो ओप्पो वीवो भी बना रहे हैं और आजकल तो ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशन सेम टू सेम आपको दिखेगा वही कैमेरा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टिल पीपल परसीव कस्टमर परसीव सैटिस्फेक्शन मोर विद एपल प्रोडक्ट सो वैसा ही कुछ है कैनो मॉडल ने बताया अपने को कि क्या फीचर्स से प्रोडक्ट्स में आपको क्या चीजें एड करनी पड़ेंगी सो दैट द परसिवड वैल्यू कस्टमर सैटिस्फेक्शन इंक्रीजेस एंड कुछ चीजें आपको निकालनी भी पड़ेगी जिससे ओवरऑल आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है for which the customer will give you the highest price possible. All right, guys. So, तो chalo, I hope ye base aap logo samajh mein aa gaya hoga. What does the whole Cano model say? As I told you, strategic revenue management mein hai ye aapko optimize agar aapke pas hai. Then in that case, you can open the page 6.40। point four zero. वहां पे अपने को ये कॉन्सेप्ट मिलेगा एंड लेट्स गेट दिस डन एंड डस्टेड तो कैनो ने है ना तीन परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट दिए थे ये तीनों परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसी एट्रीब्यूट के ऊपर जो अभी मैं इधर लिख रहा हूं उसी के ऊपर क्वेश्चंस आप लोग को एमसीक्यू में आने वाले हैं ठीक है सो ही फर्स्ट स्पोक ऑफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट एंड देन ऑफ द नेगेटिव एट्रीब्यूट द फर्स्ट थ्री पॉजिटिव एट्रीब्यूट की जब मैं बात कर रहा हूं इट इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट एम ओ एन जो नेगेटिव है वो है आई आर क्यू सो याद रखना है आपको ये एम ओ एम स्टैंड मतलब चाहिए ही चाहिए ये तो ऐसा हो गया कि भाई देखो अभी आप लोग सब लोग यू ऑल आर ऑफ द एज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ईयर्स के हो जैसे ही बहुत जल्द आपके नाम के आगे चार्ट अकाउंटेंट बन जाएगा लड़के अपने लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढेगी ढूंढेंगे और लड़कियां लड़के ढूंढना चालू करेंगे तो जब आप कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने वाले हो शर्माओ मत ऐसे ब्लश मत करो और मत बोलो अरे सर मैं तो शादी नहीं करूंगा नहीं वो तो अब ठीक है बहुत uh, यूनिक सलमान खान जैसे लोग होते हैं जो ये नहीं करते बाकी तो इट्स लॉ ऑफ लाइफ सो एनीवेज तो आप जब ये लड़का लड़की कोई ढूंढने जाओगे तो आप क्या बोलोगे यार ये तो चाहिए ही मुझे ठीक है ना लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसका नेचर बहुत अच्छा हो लड़का ऐसा होना चाहिए जो बात करने में बहुत अच्छा हो बराबर सो कॉल्ड एज अ मस्ट बी क्वालिटी करूंगा बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप ऐसा सोच सकते हो कि जब आप आपके लिए कोई अपना जीवन साथी ढूंढने जाने वाले हो विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ तो आप ये कैनो पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो ध्यान रखने में भी काम आएगा इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं तो एक आ गया मेरा मस्ट बी क्वालिटीज फिर बाद एट्रीब्यूट इसको बोलते हैं है तो चाहिए चाहिए। है मेरा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट जिसको वन डायमेंशनल क्वालिटी बोलते हैं so ये मेरा सेकेंड आ गया ओ इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल क्वालिटी सर ये क्या है सब 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 एक्सप्लेन करूंगा यू डोंट हैव डोट हैन डायमेंशनल वन डायमेंशनल इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एट्रीब्यू ओके एंड जो मेरा थर्ड है दैट इज हा दैट इज ए इसको बोलते हैं डिलाइटफुल जी हाँ हा हा खुशी बहुत सारी खुशी सो so, इसको बोलते हैं डिलाइट डिलाइट एट्रीब्यूट एंड इसको अट्रैक्टिव क्वालिटीज बोलते हैं सो दिस इज अट्रैक्टिव क्वालिटीज सो ये है ए स्टैंड फॉर अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज डिलाइट और कुछ नेगेटिव चीजें भी है जो अपने को इंश्योर करनी है दैट वी विल नॉट कीप इन आर प्रोडक्ट दे आर आई आर क्यू I stands for R stands for reverse and Q stands for questionable. तो अब आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा आपके पास मॉड्यूल होगा तो मॉड्यूल में या फिर आप लोग को यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज़ में डायग्राम दिख रहा होगा ये डायग्राम भी आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा डोंट वरी एट ऑल ठीक है सो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये डायग्राम को समझना फिर बाद में मैं तुम लोग को पूरा थ्योरी पढ़वा दूंगा बुक में से एंड देन इट विल ऑल बिकम वेरी वेरी इजी तो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं अगर आप लोग ये डायग्राम देखोगे ना तो यहाँ पे है ऊपर सेटिस्फैक्शन नीचे है डिससेटिस्फैक्शन इसको अपन लोग बोलेंगे वाई एक्सिस और यहां पे है फुलफिलमेंट एंड ये है अनफुलफिलमेंट इसको अपन लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस ठीक है अब मेरा सबसे पहला डायमेंशन है एम मस्ट हैव क्वालिटी हैिटी भाई उतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए भाई डिफॉल्ट में अज्यूम करता हूं और वो चीज मिलने से मैं कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होने वाला हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं मोबाइल लेने को जा रहा हूं और मेरे को मैं मेरे पेरेंट्स को बोलता हूं कि पापा मेरे को मोबाइल चाहिए और वो मुझे एक टच स्क्रीन मोबाइल ला देंगे तो मैं कोई बहुत खुश नहीं मैं बोलूंगा हाँ तो टच स्क्रीन तो बेसिक है ना पापा वो तो होगा ही ना हाँ पापा अगर फाइव फोर्टी कैमरा कुछ ला दे दे हा 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 तो बात ही और है तो अगर मेरे को मतलब ये जो टच स्क्रीन मोबाइल है ये एक ऐसी चीज है विच इज अ मस्ट है थ्रेश होल्ड है बेसिक है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए ये हुआ तो मैं कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा मैं बोलूंगा ठीक है आई एम सेटिस्फाइड बट ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली आई विल बी अ वेरी वेरी लॉट ऑफ अनसेटिस्फाइड तो अगर आप लोग नोट करोगे ना तो यहां पे देखो मस्ट बी दिख रहा होगा आपको तो ये मस्ट बी नहीं होगा तो आई एम डिससैटिस्फाइड पर अगर ये हुआ तो फिर भी मैं फुलफिलमेंट लेवल पे पहुंचूंगा मैं कोई बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं पहुंचा सेटिस्फैक्शन तो ऊपर है ना ये देखो सेटिस्फैक्शन तो ऊपर है मैं उधर तक पहुंचा ही नहीं मस्ट भी होने से मैं डिससैटिस्फैक्शन से इंडिफरेंट फुलफिलमेंट पे आ गया बोला ठीक है चलो ये दिया है अच्छा लगा आई एम हैप्पी बट अगर वो मोबाइल में पापा ने मुझे एक ऐसा साथ में चीज दिया व्हिच इज लाइक ऑफ बोलते ना फाइव फोर्टी मेगा पिक्सल कैमरा फाइव फोर्टी ज्यादा थोड़ा हंड्रेड मेगा तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी तो जैसे जैसे कैमरा का क्वालिटी बढ़ते जाएगा यहां पे भी तुम लोग नोट करना जैसे जैसे ये वन डायमेंशनल की मैं बात कर रहा हूं जैसे जैसे कैमरा का क्वालिटी बढ़ते जाएगा मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा 50 मेगा टू मेगा पिक्सल डिसंटी मेगा ठीक है फिफ्टी मेगापिक्सल तो पापा लाओ उतना तो 75 मेगापिक्सेल सेटिस्फेक्शन बढ़ते जा रहा है 100 मेगापिक्सेल वन डायमेंशनल एक नंबर ना पापा मजा आ गया और अगर ऐसा कोई मोबाइल मिल जाए जिस पे मेरे सारे जो भी एग्जाम देने वाला हूं मैं आज के बाद लाइफ में वो सारे एग्जाम के आंसर मेरे को आ जाए और उसी के अंदर मेरे को सारे ऐसे एप्स मिल जाए जिससे मैं जिससे दिन रात बात करना चाहूं कॉन्टिन्यूसली बात कर सकता हूं ऐसा कोई ऐप मिल जाए तो पापा क्या मोबाइल दिया है मजा आ जाएगा दैट विल फॉल इन द अट्रैक्टिव कैटेगरी तो अट्रैक्टिव कैटेगरी ना हुआ तो ठीक है बट जितना अट्रैक्टिव कैटेगरी बढ़ते जाएगा उतनी मेरी जितनाफेक्शन बढ़ती जाएगी ठीक है ना ऐसा मोबाइल जिसमें ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स क्वेश्चन के आंसर्स दिख जाए जो मैं एग्जाम देने वाला हूं वो भी टीचर को पता ना चले और मैं सीधा एग्जाम पेपर लिख के आऊ टीचर को पता भी ना चले मैंने कॉपी करके कुछ किया वाह क्या फीचर है बट वो थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन हुआ नहीं हुआ तो ठीक है मैं उसकी वजह से कोई अनसे डिस नहीं हुआ बट अगर हुआ तो इट अ डिलाइटफुल कैटेगरी समझ में आया तो वन डायमेंशनल मस्ट बी एन अट्रैक्टिव मस्ट बी बोलते हैं थ्रेशोल्ड कितना भी अच्छा हो वो चीज बट वो तो मेरे को बेसिकली उतना चाहिए ही चाहिए टच स्क्रीन दूसरा होता है वन डायमेंशनल परफॉर्मेंस जितना वो अच्छा होते जाएगा कैमरा इन अ मोबाइल पर उतना आई विल कीप ऑन गेटिंग सैटिस्फाइड एंड तीसरा है डिलाइट कैटेगरी जो नहीं हुआ तो ठीक है मैं कुछ उसकी वजह से डिससैटिस्फाई नहीं होऊंगा वो प्रोडक्ट से बट अगर वो चीज हुई तो इन दैट केस माय सैटिस्फैक्शन माय अट्रैक्टिवनेस माय डिलाइटफुलनेस विल इंक्रीज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट क्या ये आप लोगों को जो मैंने येलो ऑरेंज ब्लैक और ब्लू में हाईलाइट किया है वो समझ में आया आपको ठीक है अगर मेरे को यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा बस ये मेरा मस्ट बी कैटेगरी हुआ ये मेरा मस्ट बी कैटेगरी वाला हुआ ये मेरा वाला, आ, ये मेरा वाला ये कौन सा परफॉर्मेंस वाला कैटेगरी हुआ सॉरी ये ऊपर वाला में, ये मेरा मस्ट बी हुआ ये मेरा परफॉर्मेंस हुआ और ये मेरा हुआ अट्रैक्टिव कैटेगरी ये मेरा हुआ अट्रैक्टिव कैटेगरी सो ये तीन तो मैंने प्रॉपरली बना लिया आओ एक बार इसको पढ़ लेते हैं कब सो प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट रेंडर्स एंड वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर क्या बात है हेंस बिजनेस विल ऑलवेज चार्ज अ प्राइस हायर प्राइस टू एनहेंस द रेवेन्यू जो एप्पल करता है बाय स्ट्राइविंग टू इंक्लूड दोज फीचर्स दैट हैव हाई कैपेबिलिटी टू प्लीज द कस्टमर जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च किया था इन द ईयर 2007 एट दैट पॉइंट इन टाइम टू हैव अ स्क्रीन म्यूजिक एंड एट द सेम टाइम इंटरनेट इन वन फोन एक बहुत बड़ी चीज थी आप सोचो ना आज से ऑलमोस्ट uh, अठारह साल पहले की मैं बात कर रहा हूं यार सो दैट इज वेर ही चार्ज अ प्रीमियम अमाउंट

product roadmap. developers use data to decide which features will make the most positive impact ab aapko aapke product ke bare mein pata hai you should know kisse kya positive impact aayega and accordingly make a product which stands out in a crowded marketplace क्या बोलता है public? समझ में आया आप लोगों को इतना जो logic मैंने आपको starting में बताया था अब आते हैं Cano model ने क्या क्या बोला है पहला Threshold attributes, जो मैं आपको समझा चुका हूं, क्या है Must be, ये तो होना ही चाहिए का तो तो दोगे ना अगर वाला नहीं हुआ तो आप तो सीधा उठा के फेंक दोगे मोबाइल फोन ना बोलोगे पापा ऐसा तो नहीं चलता है दे मे कॉज डिससेटिस्फेक्शन अगर ये है तो अच्छी बात है मैक्स में है डिफरेंट लेवल तक आया बट नहीं है तो बहुत डिसमेक्ट क्वालिटी तो, hmm. to, तो आज की तारीख में कोई मोबाइल में टच स्क्रीन देगा तो कोई आप सबको बताने नहीं वाले तेरे को पता है मेरे मोबाइल में टच स्क्रीन है ठीक है ना अच्छी बात है हाँ बट अगर मोबाइल में हंड्रेड मेगा का कैमेरा हुआ तो आप जरूर बताओगे परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट दीज आर फीचर का मोबाइल बनाने के लिए कंपनी को भी उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा दैट एज बिजनेस इज इन्वेस्ट इन देम रिजल्ट इन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन डॉक्टर टू दिस टाइप ऑफ फीचर एज वन डायमेंशनल ड्यू टू द डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सौ मेगा पिक्सल का कैमरा बनाने के लिए उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा बट सामने उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होगा वन जैसे जैसे वैसे बढ़ रहा है प्रोडक्ट और योर कॉम्पिटिटर ये कॉम्पिटिटर से एक लेवल ऊपर होने में काम आएगा टू इलास्ट्रेट क्या बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन अगर अच्छा हुआ इट इज अ वेरी गुड थिंग एंड द लास्ट इज अट्रैक्टिव आंसर दिख जाए दीज कैरेक्टर इज प्रोवाइड डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन वेन दे आर मैट बट डू नॉट कॉज डिसन वेन दे आर मैट भाई फुलफिल नहीं हुआ तो भी परवा नहीं है मैं अभी इनडिफरेंट लेवल पे हूं बट अगर दे दिया तुमने क्या बात है अट्रैक्टिव

समझे बट हो गया तो आह मैं बाहर निकल के बोलूंगा यार क्या फ्लाइट है सीधा इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया अट्रैक्टिव समझ गए अब ये तीनों तो मेरे को समझ में आ गया अब आता है मेरा इनडिफरेंस इनडिफरेंस मतलब ये है कि नहीं है मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिवर्स ये तो मुझे चलेगा ही नहीं ठीक है आजकल होता ना, है ना लड़कियां बोलती हैं मुझे पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए तो आप समझ लो अगर आप लड़के हो और अगर सीए क्विट करने का सोच रहे हो, गर्ल्स लड़कियां बोलती है हमको तो सर पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए बराबर है बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें अगर नहीं है तो इट इज अ रिवर्स क्वालिटी तो उसको इंप्रूव करो और सीए बन जाओ राइट वैसे ही कोई प्रोडक्ट में अगर सर आप तो लड़के को प्रोडक्ट बना दिया एग्जाम्पल है बेटा ऐसे ही अगर कोई प्रोडक्ट में जैसे मैंने बोला आपको कि अगर मेरा फोन स्लो चल रहा है इट इज रिवर्स क्वालिटी इंप्रूव करो उसको फास्ट करो स्पीड अदरवाइज पब्लिक नहीं यूज करेगा रिवर्स क्वालिटी है मतलब पब्लिक लेगा ही नहीं तुम्हारा फोन सॉरी भूल जाओ राइट क्वेश्चनेबल मतलब कोई रिवर्स जैसा ही है कि यार ये चीज थोड़ा मजा नहीं आया इसको कुछ इंप्रूव कर सकते हैं कि अपन जैसे डिजाइन हो गया ऑफ मोबाइल वैसा राइट सो इट इज

रिवर्स क्वालिटीज नहीं चाहिए मुझे ये नहीं चलेगा बस लड़का पढ़ा लिखा चाहिए तो चाहिए क्यों देवी हो सही बोल रहा हूं ना मैं हाँ, बताना कमेंट करके इफ इफ दीज एग्जिस्ट दे दे लीड टू डू नॉट एग्जिस्ट दे डू नॉट लीड टू सेटिस पढ़ा लिखा होना ही चाहिए है तो कोई बड़ी बात नहीं है नहीं है तो रिवर्स क्वालिटी हो गया डिससेटिस्फैक्शन पॉपअप मैसेजेस अपियर ऑन फोन्स व्हेनेवर ओपन ऐप फॉर अप्रूवल

एक कहा भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसका मतलब कल का जो न्यूज़पेपर था वो आज रद्दी बन गया है आज का जो न्यूज़पेपर है वो कल यूजलेस बन जाएगा सो इज गोइंग टू बी द केस आज जो मेरा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट है हो सकता है कल उठ के थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट बन जाए आज जो मुझे लग रहा है यार क्या बात है अभी आज से सोचो ना पंद्रह साल पहले अगर कोई मोबाइल टच स्क्रीन होता था इट वॉज अ परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट आज अगर कोई मोबाइल टच स्क्रीन है तो इट इज अ थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट इट इज अ एट्रीब्यूट बस यही है कस्टमर एक्सपेक्टेशन विल चेंज ओवर टाइम एज मोर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट एंटर द मार्केट कस्टमर नीड्स कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दे आर इन एटीट्यूड में चेंज मीनिंग दैट

इंक्लूड बेसिक थ्रेश होल्ड परफॉर्मेंस एक्साइटमेंट तो एससीपीएम हमसे पढ़ेंगे आपको बेसिक थ्रेशोल्ड परफॉर्मेंस एक्साइटमेंट तीनों मिलेगा नहीं पढ़ेंगे तो आपको इन डिफरेंस रिवर्स या क्वेश्चने क्या बोलता है पब्लिक नोट okay, so आपको जैसा मैंने बोला आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे डू लाइक द सेशन शेयर इट विद समी हुपेशर कलीग्स एंड जूनियर्स जिनको एस सी पी एम देना बाकी है या आपके फ्रेंड्स जो भी है ठीक है चलो और भी आप लोग को ऐसा कुछ चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कैसा लग रहा है ये ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स के सेशन आई कैन ब्रिंग द सेम फॉर ए एफ एम और अदर सब्जेक्ट एज वेल एज पर योर डिमांड ठीक है टाइम फॉर मी टू कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच टेक केयर बाय